हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है हमारी टाटा नेक्सॉन ईवी के एक नए अपडेट के ऊपर, जिसके अंदर टाटा ने उसकी जो पावर को है इंक्रीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नई जो नेक्सॉन ईवी आने वाली है उसके अंदर क्या क्या हमको बदलाव देखने को मिलेंगे। बाकी आपको बता देता हूँ कि नेक्सॉन ईवी टाटा की एक बैटरी पावर्ड कार है जो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर वर्क करती है। इसमें कोई इंजन नहीं होता है। इसके अंदर टोटल 3 मॉडल हमको टाटा देती है मार्केट में, XM, XZ प्लस और XZ प्लस लग्जरी, जिसमें से XM मॉडल जो हमको देखने को ही नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से कोई एक या दो ही बिके हैं आज तक, मार्केट में रखते ही नहीं है टाटा शोरूम्स वाले इस मॉडल को। तो अब बात करते हैं, इस ऑफिशियल पेपर है जो लीक हुआ है टाटा का, जिसके अंदर हमको सामने देखने को मिलता है कि जो पावर है वो बढ़ा दी गई है, और जो पावर पहले थी उससे हमें 7 PS की एक्स्ट्रा पावर मिल रही है। मतलब अब जो हमको पावर मिल रही है वो है 100 kW की, मतलब 136 PS की पावर है। अगर बात करते हैं पुराने टाइम की, तो पहले वाली जो अभी जो स्टिल अभी आ रही है मार्केट में, उसमें है 129 HP की पावर। तो हमको टोटल 7 PS का एक्स्ट्रा पावर हमको मिल रही है यहाँ पे। साथ ही आपको बता देता हूँ कि जो नेक्सॉन है उसके अंदर हमको 245 Nm का टॉर्क मिलता है। बैटरी पैक जो है वो 30.2 kWh की लिथियम आयन बैटरी हमको मिलती है इसके अंदर, जो हमको रेंज दे देती है 312 km 312 km, अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाते हो तो। अदरवाइज़ वो 250 से 300 के नियर ही देती है, उससे भी कम दे देती है कभी कभी केसेस में। 0 to 100 की जो उसकी रेंज थी वो ये 9.9 seconds के अंदर कवर कर लेती थी, बट अब नई वाली जो आ रही है उसका मुझे नहीं पता वो कितनी। अब सीधी सी बात है, पावर बढ़ेगी तो जल्दी करना ही है। नेक्सॉन ईवी का जो मेरा एक्सपीरियंस चलाने का, अगर आपने भी चले होगी तो आपको पता होगा कि उसकी जो पावर है वो अनमैचेबल है। टायर जो स्पिन, आप 60-70 स्पीड में भी टायर को आप स्पिन करवा सकते हो उस गाड़ी के ईवी के अंदर स्पोर्ट मोड डाल के, जो कि पेट्रोल और डीजल के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। बैटरी का जो मास है, मतलब जो वेट है बैटरी का, वो 260 किलो की बैटरी हमको इसमें देखने को मिल जाती है। और बैटरी जो कैपेसिटी है वो है 94.5 Ah की जो हमको बैटरी है वो इसमें मिल जाती है। अब बात करते हैं कि नेक्सॉन ईवी की अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट करने के लिए अपडेट दिया जा रहा है टाटा की तरफ से, या बस एक जस्ट एक अपडेट है। नॉर्मली कुछ कंफर्मेशन है नहीं अभी हमारे पास में, क्योंकि ये लीक डॉक्यूमेंट है, ये कोई ऑफिशियल और पब्लिकली रिलीज़ की हुई न्यूज़ नहीं है। बाकी जो पेपर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये जो पेपर है ये ऑफिशियल पेपर है टाटा की तरफ से जो कि लीक हुआ है अभी हाल फिलहाल। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ न्यूज़, सेम प्रॉब्लम है कई लोगों को आ रही है कि बैटरी जो है, हम खड़ी करते हैं गाड़ी को नेक्सॉन को, 1-2 घंटे के अंदर 30-40% बैटरी खड़ी में ड्रॉप हो जाती है। मतलब आपने 51 जो किसी का एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने 44% पे गाड़ी को छोड़ा था, और जब उन्होंने वापस 2 घंटे बाद में आके गाड़ी को चलाया तो मालूम चला कि गाड़ी के अंदर बैटरी 11% ही है। तो ये एक तो समस्या, और इसके बाद में जब वो चार्ज लगाते हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं घर जाके जब मैंने चार्ज लगाया गाड़ी को, चार्ज लगाते फिर वो डायरेक्ट 40% चली गई। तो ये हो क्या रहा है, ये ईवी का जो बैटरी पैक है, या फिर अपन बोल सकते हैं जो एक सॉफ्टवेयर पार्ट है उसके अंदर एक ग्लिच है, जो कि हमको आप देखते हो कि पुराने मोबाइल्स के अंदर भी अपने होता है कभी, अपन चार्ज जब बैटरी पुरानी हो जाती है तब ये दिक्कत आती है। हालांकि बता देता हूँ आपको, नेक्सॉन के ऊपर हमको मिल जाती है बहुत ही लंबी वारंटी, 1-2 साल की वारंटी नहीं मिलती, 8 साल की हमको वारंटी मिल जाती है बैटरी पैक के ऊपर, तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर नई गाड़ी के अंदर ये दिक्कत आ रही है, तो 1 महीने पुरानी गाड़ी का जो बताया आपको केस, मैंने 1 महीने पुरानी गाड़ी का ही केस है दिक्कत आ रही है। इन्हीं को नहीं, और भी बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। तो इसको ऑल ओवर इंडिया से ही इस कंप्लेन को रेज़ किया जा रहा है कि अगर ईवी है नेक्सॉन ईवी, इतना लोगों ने बजट खर्चा किया है, अब तो महंगी भी होगी ईवी पहले से, तो उसमें भी उसके बाद में क्यों दिक्कत आ रही है, अपडेट करके इसको सही करो और ये करो वो करो, मतलब ऐसे ये चीज़ें जो हैं अभी टाटा के अंदर चल रही हैं। तो इसी बीच में ये न्यूज़ भी देखने को मिल गई है, जहाँ पे हमको पावर का इंक्रीमेंट तो देख ही गया है, बाकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये क्या पता ये सॉफ्टवेयर अपडेट साथ में दें नई वाली ईवी के अंदर और ये प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर दें। तो आप इस डॉक्यूमेंट में आपको दिख रहा होगा कि ये टाटा वगैरह का इसमें सब डिटेल वगैरह दी हुई है, इसमें सारी बैटरी डिटेल भी दी हुई है, मेक भी दिया हुआ है कहाँ का है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, कौन कौन से प्लांट में हो रही है, यहाँ पे दिया हुआ है पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, लखनऊ वगैरह के अंदर ये पूरा डिटेल जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। मोटर जो है वो शंघाई ऑटो कॉरपोरेशन लिमिटेड से इनकी आती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, जो कि आपको मोटर की डिटेल भी इसमें दी हुई है। PMSM मोनो मोटर है, अल्टरनेटिव करंट पे काम करती है, मतलब AC पे काम करती है, DC पे काम नहीं करती है, 3-phase मोटर है ये। और दोस्तों ये है एक वीडियो नेक्सॉन ईवी के ऊपर, और जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो आपको बता दी इस वीडियो के थ्रू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके ज़रूर बताइए, और अगर आपको भी ये दिक्कत आ रही है आपकी ईवी के अंदर कि आपकी गाड़ी जो है बैटरी ड्रेन हो रही है एकदम से, या फिर बैटरी आप चार्ज करते हो एकदम से 2-3 20-30% जो है जम कर जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।